मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजू जे कोई होर वसावां ता कप राखी मैं तेरे चौकट तू सारी जिंदगी जे सर उठावां ता कप राखी जे मेरी पूजा च फर्क आवे इजाज खंजर दी लोड़ काई नी खुदा गवाए तू अख चा बदले मैं मर ना जावा कफ राखे प्यार नल ना से हो प्यार नल ना से गुस्से नल वेख लिया कर प्यार नल ना से गुस्से नल वेख लिया कर बीमारा नू शिफा मिल जांदी है प्यार नल ना से प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर बीमारा नू शिफा मिल जाती है। बहुत जबरदस्त और प्रोग्राम का आगाज तो इधर से ही हो गया, लेकिन मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ स्टारा, इमर्जिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, रोहेल वकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू। इनसे गपशप करेंगे आज के प्रोग्राम में और म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से और इनके स्ट्रगल पीरियड के हवाले से। बहुत सारे यंगस्टर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस फील्ड को, इसको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ख़ास है। तो रोहेल भाई, स्ट्रगल पीरियड सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, ये आगाज़ कहाँ से किया आपने सिंगिंग का? सरगोधा में कंपटीशन हुआ था, वहाँ से मैंने विन किया था। तो उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट अपना मॉर्निंग शो किया था इस्लामाबाद के टू चैनल पे। अच्छा, आज से तकरीबन ये 7 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद मैंने लाहौर में प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू की अलहमरा आर्ट में। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल कर रहा हूँ, साथ मेरे तकरीबन 8 गाने हो चुके हैं ऑफिशियल। अच्छा, तो अभी 3 गाने मेरे और भी रिलीज़ हो रहे हैं पहले, जिसमें मेरा जो सुपर हिट गाना गया था इश्क का रोग था, तेरे बिन था, और भी अभी काफ़ी गाने आते हैं। सामने नहर वाले पुल से लाके रिमिक्स किया था सोना सावला, और उसके बाद मैंने क्रिकेट टीम के लिए एक गाना किया था, उसके बाद दुआ की थी, एक पंजाबी गाना किया था सर की उस बंदे का केड़ा प्यार, और अभी 3 गाने मेरे और पेंडिंग में थोड़ा वो भी आ रहे हैं। तो ये शौक़ कहाँ से पैदा हो रहा, आपको कब ये फील होना शुरू हुआ? एक वाइब्स आ जाती है ना कि यार मैं गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत अच्छा, अगर मैं प्रोफेशनली थोड़ा सा मेहनत करूँ तो मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल सिंगर बन सकता हूँ। शौक़ मुझे बचपन से था सिंगिंग का, बहुत क्रेज़ था मुझे। फिर कुछ जब मुझे ज़्यादा क्रेज़ बना, आतिफ को फॉलो करता था, आतिफ को बहुत ज़्यादा सुनता था मैं, उसको देख के मुझे ज़्यादा वो क्रेज़ आने लगे म्यूज़िक का। उसकी मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, 20 मिलियन उसके व्यूज़ होते, आधा सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था। फिर उसके बाद इवन कि मैंने आतिफ असलम को भी लाइव से सुनाई थी सॉन्ग। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सर्ट वगैरह चल रहे हैं और हर चैनल पर। रोहेल, फैमिली में कितने सपोर्ट रही और फैमिली में कोई बैकग्राउंड है आपका सिंगिंग से जहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली, या फिर आप पहले हैं जो इस फील्ड में आए? नो, मेरी फैमिली में किसी को भी सिंगिंग का शौक नहीं, जस्ट मुझे मैं अकेला। तो सपोर्ट किया उन्होंने फैमिली ने आपको? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। होता है ना कि यार ये तुम किन कामों में पड़ गए हो, कोई काम धंधा करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो सिंगिंग है ना, कहते हैं कि शौक क्या करो लेकिन कोई काम धंधा भी करो। आपका भी कोई काम धंधा भी है या यही काम धंधा है और इसी को आपने अपना प्रोफेशन बना दिया? देखिए कि मुझे अल्लाह पाक इसमें से बहुत कुछ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ म्यूज़िक से मैं। आतिफ असलम एक कॉन्सर्ट के करोड़ों रुपए भी लेते हैं, तो क्या उसके अलावा जितने भी नाम हैं वो भी इतना अर्न कर लेते हैं कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहती? आतिफ असलम वो एक ब्रांड है, ठीक है, और वो इस वक्त हमारे पूरी दुनिया में एक उनका इंटरनेशनल लेवल सारी बात, हमारे पाकिस्तान का हमें फ़ख्र है क्योंकि हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। तो हमें इस चीज़ का, मैं फ़ैन भी हूँ आतिफ का, तो उन्होंने बहुत नाम रोशन किया हमारे पाकिस्तान का भी। तो इसमें यह कि हम जैसे अब हर सिंगर की एक डिमांड होती है, जैसे वो स्टार्ट करता है तो उसका एक टफ टाइम होता है, उसमें तो
फिर कुछ ऐसे सिंगर भी होते हैं जिसको कुछ ऐसे सिंगर भी होते हैं कि जो फ्री में भी करते हैं अपने आप को कैमरे के प्रमोट करने के लिए। देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तो मैं ऐसे करता रहा, मैंने फ्री में भी किए हैं अपने आप को आगे लेके आने के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे डिमांड बनती गई, अब मेरी तकरीबन एल्बम कंप्लीट होने वाली है, फिर अब मेरी डिमांड है, मैं अब कॉन्सर्ट वगैरह करता हूँ। आपकी डिमांड से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, अभी आपकी डिमांड लाखों में आई, हजारों में आई, या फिर आप भी करोड़ को टच करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाखों में है। लाखों में अच्छी अर्निंग हो जाती जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम स्टूडेंट्स या वो तमाम यंगस्टर्स जो कि इसको प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, आप सजेस्ट करते हैं कि अच्छी फील्ड है और इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है? यार मैं दो बातें इसमें कहूँगा कि देखिए, अगर जिस बंदे के अंदर टैलेंट है ना, उसको खुद पे इत्माद है कि यार मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, उसको कोई रास्ता नज़र आता है, क्योंकि इस फील्ड में रास्ता इतनी जल्दी इंसान को नज़र नहीं आता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है काफ़ी अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। तो अगर टैलेंट है आपके अंदर तो आप इस चीज़ को छुपाएं ना, आप लोगों को दिखाएं अपना टैलेंट, तो फिर किस्मत इंसान पे जब मेहरबान होती है पता नहीं मेहरबान है। अगर टैलेंट नहीं है, आजकल कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, मैं ये किसी की दिल आज़ारी नहीं करूँगा, लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको गाने का बिल्कुल नहीं पता, वो है कि यार हमने सीखना, हमने ये करना वो करना, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है। टैलेंट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि ये हाँ ये बंदा टैलेंटेड है? आजकल जो हमारे यहाँ पे लोग जो है ना, अब सबसे बड़ी मिसाल है चाहत फतह अली खान साहब। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ मुझे आपको माजरत, मैं आपको रोकना पड़ रहा है, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम उस्ताद उस्ताद ना लगाएंगे तो ये तो तोहीन हो जाएगी, उस्ताद चाहत फतह अली खान। हमारी भरपूर कोशिश है कि उनको भी स्टूडियो में इन्वाइट किया जाए, लेकिन चूँकि उनकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा और फिर उनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा, वो टाइम निकाल नहीं पा रहे हमारे लिए। लेकिन आपको पता है कि जब छोटे बच्चे रोते हैं ना, वो सोते नहीं है, माए उनको लोरी देती हैं, सोजा बच्चे सोजा गब्बर आ जाएगा। अब वो कहते हैं सोजा बच्चे सोजा चाहत आ जाएगा, ठीक है उनको जहाज साहब के जो सुर है ना वो उनको सुनाए जाते हैं, तो वो बच्चे सुकून से सो जाते हैं। जहाज साहब की आवाज में इतना मतलब सुकून है। आप मतलब कि जब अच्छा गाते हो तो आपको लोगों के कमेंट्स बता देते हैं, आपको ऑडियंस बता देती है, क्योंकि यार ये बहुत अच्छा सिंगर। आपके साथ केविन सर भी मौजूद हैं और आपके ये गिटारिस्ट भी हैं, टीम मेंबर हैं, इनके साथ सफ़र कब से आगाज़ हुआ और ये सफ़र कैसा जा रहा है? केविन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है और प्रोफेशनल गिटारिस्ट है केविन, काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सर्ट वगैरह भी करता है और बड़े सिंगर के साथ भी काम करता है केविन। अब हम मतलब कि हमारा बैंड है, हम मिलके काम करते हैं, टीम मेंबर। मैं चाहूँगा कि केविन से भी थोड़ी गपशप हो। केविन वेलकम टू द शो। रुहेल भाई के साथ एक अरसे से आप काम कर रहे हैं, आपने डिफरेंट सिंगर्स के साथ काम किया, ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया कि यार ये जो सिंगर ये बड़ा एनर्जेटिक है, ये बड़ा पैशन वाला है, और रुहेल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो रुहेल एक बड़ा अच्छा सिंगर है और यहाँ पे मैं गाते म्यूजिक सीखता था, उधर ही रुहेल आया था, और रुहेल की जो जर्नी है वो मेरे सामने ही चली है, क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो 2-3 साल के बाद रुहेल आया था। तो बहुत अच्छा सिंगर है, बड़ी मेहनत करता है, तो डेडिकेटेड है अपने काम के साथ और अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ। गिटार आप प्ले करते हैं, हमने अभी सुना प्यार नाल ना से, उसमें ये तो मतलब मेरे जैसा बंदा उसको गिटार देख के डर लगता है कि यार ये कैसे इसको बजाया जा सकता है, वो सिर्फ टोन टोन ही करते रहते, तो कितना मुश्किल है इसको सीखना और फिर इसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर चलना? ये जो है म्यूजिक गिटार, ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिकल है ये, इसके ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है, आपका हाथ चलेगा तो आप बजाओगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो सीखना, अगर आपको शौक है तो तब आपको आ सकता है, अगर आपको शौक नहीं है और जस्ट आपने इसको एज अ हॉबी लेना है तो फिर इसको सीखना मुश्किल होगा। कितना टाइम देना पड़ता है और इस शौक को पूरा करने के लिए? ऑब्वियसली बेसिकली इसके अंदर आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपको ये आ गया है, क्योंकि ये आर्ट है, इसके अंदर रोज कुछ ना कुछ नया ही होगा। बस ये है कि आप अगर 1-1.5 साल इसको सही तरीके से इसके साथ अपना टाइम गुजारो तो आप इतने बेहतर हो सकते हो कि आप खुद स्टेज पे चढ़ के आप परफॉर्मेंस कर सकते। केविन आपने डिफरेंट बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, मुश्किल सिंगर कौन सा है कि यार इसके साथ काम करने में थोड़ी झिझक होती है और ये ज़रा मुश्किल है? एज अ म्यूजिशियन
मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप किसी सिंगर से डरते हो कि बजाते हुए तो फिर आप काम नहीं कर सकते, आप बजा नहीं सकते। मैंने जितनों के साथ भी काम किया है मैंने इंजॉय किया, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जब आपकी तैयारी भी अच्छी हो, तो फिर आपके साथ जो भी हो आपको उससे डर या कॉन्फिडेंस। मैं रोहिल की तरफ वापस आऊँगा। रोहिल, आपने कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया और इकट्ठे परफॉर्म करने का मौका मिला? सिंगर तकरीबन राहत साहब के अलावा और आतिफ के, तकरीबन जितने भी सिंगर में सबके साथ, तकरीबन सबके साथ। ज़्यादा काम करने का मज़ा किसके साथ आया? देखिए कि हर सिंगर की एक अपनी कैटेगरी होती है। काम स्टेज पर होते हैं, जब कॉन्सर्ट होता है तो वहाँ पे काफ़ी सिंगर आए होते हैं, ठीक है, हम बैक स्टेज पे होते हैं तो हर सिंगर अपनी परफॉर्मेंस देता है। सिंगर्स की जानिब से भी सिंगर्स को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि आप सिंगर्स ही आप पर तनकीद करें, कोई दूसरा तो करे सो करे, सिंगर्स ही एक दूसरे पर तनकीद करें, यार ये देखो कैसा गा रहे, बहुत ही फीका है ये। तो हमारे सिंगर तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करते हैं। अच्छा, सबसे क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ये, मैं ये बात बताना चाहूँ कि जिस शख्स को मैंने मतलब कि बहुत ज़्यादा गाया, आतिफ असलम की बात कर रहा हूँ, मैंने उनके बहुत उसको गाया था, वीडियो वायरल हुई थी उनके, जिस दिन मैंने आतिफ को लाइव सुनाए थे मैंने सॉन्ग उसके, उसी का गाना था वो मेरे खुदा और आदर सुनाए थे। आतिफ आतिफ का रिएक्शन ऐसे था जैसे किसी को इग्नोर करना, मतलब कि जैसे फील किया जाएगा तो कि मुझसे अच्छा तो नहीं गाने लग जाएगा। सारी बात है ऐसे होता है क्योंकि उसको इस फील्ड में भी हिपोक्रेसी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप इवन के आतिफ के जो भाई था शिराज, मैं बस जब आप किसी के फ़ैन होते हो ना आप, तब आपका एक माइंड जो है ना फोकस उसकी तरफ होता है कि यार मैंने इससे मिलना है, यार ये मेरे सामने आएगा मैं इसके साथ जाऊँगा। वो एक उस वक्त मेरा एक जुनून था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ मुझे। तो ऐसे हज़ारों लाइव परफॉर्मेंस मैंने आतिफ के और हर चैनल पे मैंने आतिफ के सॉन्ग बहुत ज़्यादा सीख किए, तो इसमें ये कोई इतना वो मसला नहीं था कि आतिफ के जो बड़ा भाई था शिराज, उससे उसको इवन के इनके इनबॉक्स में वीडियोज़ गई हैं मेरी, उनको मैंने कहा था मैं एक दफ़ा आतिफ के साथ सिर्फ जस्ट 5 मिनट स्टेज पर उनको फैक्सिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो जैसे किसी को इग्नोर किया जाता है। तो मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे फादर की ही है, और रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा आपको पता है बातें बनाते हैं कि ये किस काम में पड़े ऐसे ही होता है जी। देखिए पता क्या बात है, जब आप स्टार्ट करते हैं ना कोई भी, जो वो लोग यही कहते यार अली की ये मरासी वाला काम शुरू करते हैं अक्सर, यही कहा, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था लेकिन ये अलमिया है हमारे यहाँ। वो जब आपको अल्लाह का शुक्र हर टी वी चैनल वगैरह पर आता रहे तो वो लोग जब देखते हैं उस फखर से कहते हैं कि यार ये मेरा भाई है, मेरा कज़न है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। लोग पूछते हैं ना कि यार ये क्या लगता है आपका, फिर वो उनको एक फखर महसूस होता है इस चीज़ पे। तो ये तो एक पार्ट है, नेचुरल चीज़ है, और हम जिस एशियन कल्चर में रहते हैं तो यहाँ का हुसन है टांग खींचना, और जब अगला बंदा कामयाब हो जाए फिर उसके साथ वो रिश्तेदारी ज़बरदस्ती की निकालने की। बिल्कुल। रोहिल कुछ सुनेंगे आपसे, पहले तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अब कुछ क्लासिक सुना दें या फिर सरहद पार से कुछ हमारे जो दोस्त हैं अरिजीत। हाँ मैं हरजीत सिंह का सॉन्ग खामोशियाँ
जबरदस्त बहुत मजा आ गया। और एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं आंख बंद करूं तो मैं यही फील करूं कि मेरे सामने अरिजीत ही गा रहे हैं। बहुत रोहिल, कितना मुश्किल होता है ये तो, मतलब लो नोट्स हाई नोट्स फिर पकड़ना उसको आवाज को और उसको कंप्लीट करना, फिर आवाज का ग्राम भारी करना, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज हैं। सबसे प्रैक्टिस मेन चीज है, जैमिंग प्रैक्टिस वगैरह। अब देखिए कोई मिसाल के तौर पर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है ना, तो जब वो अपने स्टार्ट करता है क्रिकेट लिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है बॉलिंग या बैटिंग के लिए, उसको 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं वो अपनी इंटरनेशनल टीम में आने के लिए, मतलब कि एक बड़े लेवल पे जाने के लिए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है जो रियाज होता है, क्योंकि क्लास में हमारे 2-3 घंटे रियाज भी होता है, उसमें जो टीचर्स हैं वो बताते हैं इसको ऐसे करना है, इसको ये करना है, वो सरगम बल्टे वगैरह फिर अलाप ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको गाना नहीं आता है। जो कहते हैं कि यार हम प्रैक्टिस के बगैर गाना करके नेवर। इस प्रैक्टिस में कोई डाइट भी शामिल होती है, गले को साफ रखने के लिए कुछ सजेस्ट किया जाता है? हमने देखा अक्सर सिंगर पान बहुत खाते हैं या इलायची खाते हैं या वो मलट्ठी मेरा ख्याल कुछ इस तरह की चीजें भी होता है। ये सिंगर तो कम, लेकिन कवाल बहुत ज्यादा खाते हैं क्यों, उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें भी तो लगती है ना, लगती है, लेकिन मैं तो जिंदगी बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो राइस ये वो उनसे वाइड करना पड़ता है, इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है, और ये प्रैक्टिकली भी अवॉइड करना पड़ता है। कहीं पर चस्का लगा लो लेते हैं, चस्का हम हल्का फुल्का लगा लें तो मसला नहीं होता, लेकिन दबा के अगर आप करते हैं वो फिर आपको गले को नहीं होता, क्योंकि आपका गले का सिंगर का काम ही गले का है, आप वो गले की केयर कर गए तो सारी बात उसको अच्छा बन गया। केविन, कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी होती है जब आप स्टेज पर परफॉर्म करना है? उससे पहले ऑब्वियसली एक आपकी कोऑर्डिनेशन होती होगी कि हमने ये सॉन्ग्स प्ले करने हैं और इस तरीके से, तो कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी होती है और कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है कि हर कोई भी काम है उसके अंदर अगर आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो हो नहीं सकता। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन तो फर्स्ट प्रायोरिटी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, और इसके अंदर यही होता है कि जिस म्यूजिक के अंदर के टेम्पो, आप में टेम्पो के अंदर रहना है, जहाँ पे उसका अल्फाज खत्म हो रहा है वहाँ पे मेरा गिटार रुकना चाहिए, जहाँ उसने फिर शुरू करना है वहाँ से मेरा गिटार, तो ये सारी कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस और जैमिंग के साथ आती है। जब आप रिहर्सल करते हो तो आपको पता होता है कि आपने किस बार पे जाके आपने रुकना है, कहाँ से आपने फिर उठाना है गाना, तो ये सारा प्रैक्टिस के साथ, यानी आप जब भी जाते हैं तो हर बार पहले आप रिहर्सल वो करते हैं। रोहिल, आपके साथ इंटरव्यू का बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़े की गपशप और बहुत हमने इंजॉय किया। जाते जाते आपसे कुछ सूफियाना कलाम हम ज़रूर सुनेंगे। आपने आंखों आंखों में कोऑर्डिनेट कर लिया कि हम फलां गाने वाले हैं, ये भी जबरदस्त। जानम फिदा है यार अली अली, जानम फिदा है यार अली अली यार अली है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहद करीना अली, दीने से लाहू का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला जीना अली, दश्त में अमर का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आकर मौला अली, मौला अली हर सो सजाए हैदरी अली अली अली, जानम फिदा हैदरी अली। जब
जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और ऑडियंस को भी यकीनन बहुत मजा आया होगा, ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद किसी भी सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।